और अब कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी ट्रेडिंग के दौरान तेजी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी स्टॉक मार्केट में 370 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, जिसके साथ 100 इंडेक्स 72,421 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में 692 पॉइंट्स का इजाफा होगा, जिसके साथ 100 इंडेक्स 72,051 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहर में गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका, जिसके बायस किसान परेशानी में मुब्तला हो गए। बारदाने की अदम फरामी के बायस लाहौर समेत पंजाब में गंदम की खरीदारी शुरू न हो सकी। बारदाना ऐप का स्टेटस भी इनएक्टिव है, जबकि हुकूमत पंजाब और महकमा खुराक ने चुप साध रखी है। दूसरी जानब अगले 5 रोज में तूफानी बारिशों के इम्कान ने किसानों को मजीद परेशान कर दिया। बारदाना ऐप पर बारदाना के लिए 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक दरखास्तें वसूल की गई थी। ऐप पर 3,94,239 दरखास्तें मौसूल हुई। पाकिस्तान ने शेयर सूद ज्यादा होने पर 1.5 अरब डॉलर का यूरो बॉन्ड जारी करने का प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिया। वजारत इक़्तिसादी उमूर के मुताबिक पाकिस्तान को पहले 9 माह के दौरान 9.8 अरब डॉलर का कर्ज मिला। गुज़श्ते साल इसी अरसे में 7.8 अरब डॉलर कर्ज मिला था। दस्तावेज़ात में बताया गया कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान ने 17.4 डॉलर का कर्ज लेने का हद मुकर्रर कर रखा है। IMF से मिलने वाले 1.9 अरब डॉलर और मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलने वाला 1 अरब डॉलर कर्ज इसका हिस्सा नहीं है। एदाद शुमार के रिकॉर्ड में बताया गया कि रवां साल कर्ज का हद 17.62 अरब डॉलर से कम करके 11 अरब डॉलर कर दिया गया है।